हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शाजिया तारिक। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत अच्छे टॉपिक के साथ आई हूँ, जो कि है बच्चों से रिलेटेड है, और उन मदर के लिए मैसेज लेके आई हूँ जो परेशान रहती हैं जिनके बच्चे खाना नहीं खाते। तो गाइज, मैं आपको, मेरा बेटा भी इसी तरह है, अयान, जो खाना नहीं खाता और वीक रहता है और लेज़ी रहता है खाना ना खाने की वजह से। तो वो बातें मैं आज उन मदर के साथ शेयर करना चाह रही हूँ जिनके बच्चे खाना नहीं खाते, बहुत मुश्किल से खाते हैं, क्योंकि मैं भी इसी मसले में इन्वॉल्व थी। अयान खाना नहीं खाता था, अब वो प्रॉब्लम आप लोगों की भी दूर हो जाएगी और मेरी भी। तो खैर, स्टार्ट करते हैं। और जब तक जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं उस कमरे में जाके अयान से, मैं अयान से मिलवाती हूँ और आपको बताती हूँ कि अयान खाना ठीक से नहीं खाता और मुझे क्या क्या करना चाहिए और आपको भी क्या क्या करना चाहिए। मिलते हैं दूसरे रूम में। सो गाइज, मैंने कहा था चलते हैं अयान के पास दूसरे रूम में। ये अपना टेस्ट याद कर रहा था तो अयान के पास में आई हूँ। अयान से हेलो गाइज, आपको देख रहे आप कैसे हो? तो गाइज, मैं आपको अयान से, अयान उठ के बैठो। ये देखो, ये मेरा बेटा जो है, इसकी स्किन देखो कितनी डैमेज हो रही है, क्योंकि ये उधर फेस करो ना, क्योंकि ये खाना सही नहीं खाता और ये खाता है बर्गर वगैरह, वो भी इसका मूड हो तो। और ये पानी इतना ज़्यादा नहीं पीता इसलिए कि इसको कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, ये ज़्यादा वो चिड़चिड़ापन भी इसके अंदर इसलिए रहता है, कोल्ड ड्रिंक पिएगा ज़्यादा, पानी पिएगा ही नहीं। जब प्यास लगी मामा कोल्ड ड्रिंक, और कुछ मैंने भी चीख चीख के फिर मैंने कहा ये कुछ भी नहीं खाता, एटलीस्ट चलो कुछ तो खा पी रहा है। लेकिन अब मैंने इसकी कर दी है सख्ती और इसको मैं अब ये कोल्ड ड्रिंक इसकी कर दी कम, और ट्रीटमेंट इसका ये लाई हूँ, मेरे पास बादाम का तेल है, एक सेकंड मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो गाइज, ये है बादाम का ऑयल, ये ख़ास ऑयल है इसलिए इस बॉटल में है। वैसे तो वो दूसरे बाज़ार से मिलते हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स वगैरह लगी हुई होती हैं, ये मैंने ख़ास मतलब अपने बेटे के लिए बनवाया कोलू से बादाम का ऑयल, और ये बहुत अच्छा होता है। बच्चों के सर में लगाओ और इनकी नाक में डालो। अयान इधर आओ, अभी मैं इसकी करूँगी अयान के सर के साथ, क्योंकि इसका जो इसका लेज़ीपन है ना, आज वो सारा दूर हो जाएगा। चलो इधर आओ, ये पकड़ो, हाथ में पकड़ो, गिरने नहीं देना। सबसे पहले मैं लगाऊँ, इधर आओ अयान, गाइस देख रहे हैं कि आपका ट्रीटमेंट हो रहा है, इधर आ जाओ। ये देखो, इसके कानों पे मस लूंगी फिर हल्का सा। मुझे नहीं अच्छा लगता ये, मेरे बाल खराब नहीं होते। अच्छा, फेस उधर को करो, मेरी तरफ बैक करो। तो गाइस, और रेडी भी मैंने ना शाम में इसके सर में थोड़ा ऑयल डाला था तो ये उठ के भाग गया था, तो अभी मैंने इसको पकड़ लिया है, अब इसका ट्रीटमेंट होगा। उधर देखो, तो ये अभी भी जो है ना इस चीज पे एग्री नहीं है, और तकरीबन आप लोगों ने बहुत ज्यादा नहीं लगाते, 10 मिनट तक अपने बच्चों के सर में मसाज करनी है कि इनका दिमाग फ्रेश हो जाए। उसके बाद जो अगला स्टेप है वो बेड पे होगा और यहाँ उनको बेड पे चलते हैं, वो भी बहुत खास है, आप इंतजार करें, मैं बेड पे जाके आप लोगों को वो भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो हमने अपने बच्चों के ट्रीटमेंट करने। चलो यहाँ उठो, उस कमरे चलो यहाँ अंदर बेड पे, चले उधर लेटो बेड के ऊपर, थोड़ा सीधे होके लेटो ना। ऑयल कहाँ रखा है? ऑयल कहाँ रखा है? हाँ। एक सेकंड में ऑयल पकड़ लो। अयान आप सीधे होके लेटो, ये लो ले। हाँ, थोड़ा सा नीचे हो जाओ, तो चाहे बच्चे सर तकिए पे भी सर रख लें, कोई मसला नहीं है। ये देखो, ये जो अब ओरिजिनल बादाम का तेल है, मैं इसकी नाक में डालूंगी। अयान इधर हो ना, थोड़ा सा सीधा ही लेटो, थोड़ा सा इधर हो जाओ, कुछ नहीं होता यार।
थोड़ा सा बस 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 न, आपको ऐसे थोड़ी मैं कर रही हूँ। ये देखिए भाई, नहीं अयान इस तरह दूसरे बच्चे डर जाएंगे, बोलेंगे पता नहीं इसको दर्द हो रही है। गाइस इसको गुदगुदी हो रही है तो इसलिए ये कर रहा है। और मैं गुदी बोल दूं, गुदी बोल, नहीं मलना नहीं है, मलना तो नहीं है ना, मैं गुदी कर लूंगा। चल सही है, हाँ सेट करो। तो गाइस ये थोड़ा सा ऑयल बच्चे की नाक में डालना है, और ताकि ये जो बच्चे की नाक में हम ऑयल डालते हैं ना, उससे स्किन फ्रेश, बच्चे का दिमाग फ्रेश, और जब दिमाग फ्रेश होता है तो बच्चा पढ़ने में भी अच्छा होता है। और सारी मदर को ये इस चीज की तो होती होती है टेंशन कि बच्चे खाना सही नहीं खा रहे, लेकिन वो स्टडी सही ना करें तो उस चीज की भी टेंशन होती है। तो ये मैसेज उन बच्चों के लिए है जो लेजी रहते हैं, खाना नहीं खाते हैं, पढ़ने में भी इतने होशियार नहीं होते हैं। तो ये उन मदर के लिए मैसेज है कि अपने बच्चे की इस तरह केयर करें। और वीडियो में मैंने आपको कम दिखाया है बालों की मसाज, लेकिन आप लोगों ने 10 से 15 मिनट कम से कम करनी है, अगर ज्यादा करोगे तो अच्छा है। 10 से 15 मिनट लाजमी बच्चे के हेड मसाज करनी है, फिर आपने इसके नाफ में ऑयल डालना है सोते वक्त रात को, उसके बाद जब ये सुबह और भी इनके पेट के जो भी इनके पेट से रिलेटेड इनकी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक हो जाएंगी। मीन्स जो बच्चे कुछ होते हैं उनको स्टमक अपसेट बहुत ज्यादा रहता है, और अयान का भी ऐसा हो जाता है, वो स्टमक की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ये नाफ में ऑयल डालने से। तो उठ के बैठो अभी अयान, आपको सब देख रहे हैं, आप बीमार थोड़ी हो। तो ये लेजी रहता है, खाना नहीं खाता, और मुझे भी उम्मीद है अब से मैंने आज से ये ट्रीटमेंट शुरू किया है तो आप लोगों के साथ भी शेयर किया है, तो वो मदर भी ये ट्रीटमेंट शुरू कर दें जिनके बच्चे लेजी हैं, उनकी स्किन ठीक नहीं है, इसकी खाना ना खाने की वजह से देख रहे हैं आप स्किन कितनी डैमेज हो चुकी है और मुझे इस चीज़ की टेंशन होती है। और वो मदर भी इसी तरह करें जैसे कि मैंने ट्रीटमेंट शुरू किया है, और 15 दिन में आप लोगों को रिजल्ट मिलेगा। और इंशाल्लाह अयान भी अभी ज्यादा खाना खाएगा, आप अयान के बाजू देखो, ये देखो इतने सूखे इसके बाजू हैं और स्किन इतनी डेड है। अब इसकी स्किन भी अच्छी हो जाएगी, खाना भी ज्यादा खाएगा। और मेरे बेटे को दुआओं में भी याद रखना, और सब मदर अपने अपने बच्चों को लिए बादाम का ऑयल घर पे लेके आए, और अपने बच्चों को सेहतमंद बनाए ताकि इनकी हेल्थ भी अच्छी हो, इनकी बॉडी भी अच्छी हो, इनकी स्किन भी अच्छी हो, और हेयर ग्रोथ भी इनकी अच्छी होगी। तो अब आप लोगों को ये मेरा मैसेज कैसा लगा है प्लीज आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर अयान अभी, अयान आप भी गाइस के सामने मेरे साथ प्रॉमिस करो कि आप खाना खाओगे, आपका ट्रीटमेंट शुरू हो गया। खाऊंगा बर्गर वगैरह, कोई एक लिमिट होती है बर्गर खाने की भी। इंशाल्लाह अयान ने भी प्रॉमिस किया है कि मम्मा मैं खाना खाऊंगा, और ये खाएगा। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, क्या ना मानता है, और पढ़ने में भी थोड़ा वीक है, इतना ज्यादा नहीं है, और अब ये और पढ़ने में अच्छा हो जाएगा। तो गाइज इसको दुआओं में याद रखना, मिलेंगे किसी अच्छे से व्लॉग में आपके साथ। तो जब तक के लिए यान बाय कर दो फिर, बाय बाय। ये वीडियो एंड है, बाय।